हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी सेवन्थ क्लास की एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हिस्ट्री वाले पोर्शन से हमारा चैप्टर नंबर सिक्स है, जिसका नाम है भक्ति और सूफी आंदोलन। देखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है रीट एग्जाम में और सेकेंड ग्रेड एग्जाम में भी बनता है। लास्ट बार जब पेपर हुआ था रीट एग्जाम का 2018 में, तो दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे, तो ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन तक आप अपनी पहुंच रखें और अपनी तैयारी को परखें। और इसके बाद में केवल एक चैप्टर और बचेगा सेवन्थ क्लास की पुस्तक से, उसके बाद में हम एट्थ क्लास की पुस्तक को स्टार्ट करेंगे। तो आपको ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो रखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु भगवान के भक्त कहलाते थे नैनार, पाशुपत, अलवार, लिंगायत। तो ये क्वेश्चन आया था रीट एग्जाम 2018 में। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जो अलवार संत थे, वे भगवान विष्णु के संत थे, भक्त। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। और भगवान शिव के भक्त कौन थे? तो वो थे नैनार। ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, राणा संग्राम सिंह, रतन सिंह, नरपत सिंह। ये क्वेश्चन भी रेट 2018 में आया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जब मीराबाई की शादी हुई, तो शादी के सातवें वर्ष में भोजराज की मृत्यु हो गई थी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में भोजराज जी के पिता का नाम क्या था? तो राणा संग्राम सिंह। ये आप ध्यान रखिएगा। और मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो रतन सिंह। और दादा का नाम था दुदा। ये आप ध्यान रखिएगा। सही सुमिलित नहीं है, संत दे रखे हैं और उनसे संबंधित जो स्थान है, कबीर बनारस, मीराबाई मेड़ता, गुरु नानक तलवंडी, चैतन्य महाप्रभु राजस्थान। तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, चैतन्य महाप्रभु ये राजस्थान के नहीं थे, इनका संबंध था बंगाल से। ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले भी ये तीनों आप ध्यान रखिएगा। सही सुमिलित नहीं है, सूफी संत और उनके स्थान से संबंधित। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली, बाबा फरीद पंजाब, हजरत निजामुद्दीन ओलिया औरंगाबाद। तो देखिए, यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो होगा ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो हजरत निजामुद्दीन ओलिया है, इनका संबंध था दिल्ली से, इनकी दरगाह भी दिल्ली में ही बनी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। ऊपर के जो ये तीनों फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि इनका संबंध कहाँ कहाँ से था। हरेदास या फिर रविदास किस जाति के थे? कुम्हार जाति, जाट जाति, महार जाति या फिर चमार जाति। तो देखिए, रैदास ये थे चमार जाति के। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। रैदास इनके गुरु का नाम क्या है? तो रैदास के गुरु का नाम था रामानंद जी। ये आप ध्यान रखिएगा। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? संत नामदेव, विठल, समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो समर्थ गुरु रामदास जी थे, इनका संबंध था महाराष्ट्र से। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो समर्थ गुरु रामदास है, ये एक दिन में 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से जाने जाते थे, तो कौन जाने जाते थे आपको बताना है यहाँ पर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन ओलिया। तो देखिए, गरीब नवाज या फिर ख्वाजा साहब के नाम से जाने जाते थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। इनकी दरगाह कहाँ पर है? इनकी दरगाह है अजमेर में। आगे देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है, संत और स्थान के संबंध में आपको बताना है। रामचरण, रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा, दरियाव जी रैन नागौर, हरिदास जी सियातल बीकानेर, रामदास जी खेजड़ली जोधपुर। तो देखिए, यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है संत और उनसे संबंधित स्थान के बारे में, वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। रामदास जी का जो स्थान था वो खेजड़ली नहीं था, इनका जो स्थान था वो था खेड़ाप्पा, ये जोधपुर में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। बाकी के ऊपर के ये तीनों सही हैं। और इन चारों संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो राम स्नेही संप्रदाय से।
ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। रामचरण जी किस भक्ति में विश्वास करते थे, सगुण निर्गुण मूर्ति पूजा या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जो रामचरण जी थे ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे और सगुण भक्ति में इनका विश्वास नहीं था, तो इनका विश्वास था निर्गुण भक्ति में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में 11वीं सदी में रामानुज ने किसकी पूजा पर जोर दिया, भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु या फिर कोई नहीं? तो देखिए, रामानुज ने दिया था भगवान विष्णु की पूजा पर जोर, कब? 11वीं सदी में, कहां पर? कर्नाटक में। दक्षिण भारत में भक्ति धारा का काल रहा है, तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर। तो देखिए, दक्षिण भारत में भक्ति धारा का काल रहा है 7वीं से लगाकर 9वीं सदी तक। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कर्म कांड की निंदा किसने की है, संत नामदेव, विठल, समर्थ गुरु रामदास या फिर चैतन्य महाप्रभु? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा, चैतन्य महाप्रभु ने कर्म कांड की निंदा की थी। इनका संबंध कहां से, आगे हमने देखा था बंगाल, क्या आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, मानव समानता किसका प्रमुख सिद्धांत था, गुरु नानक, संत रैदास, चैतन्य महाप्रभु या फिर कोई नहीं? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संत रैदास। सगुण भक्ति में किसका विश्वास था, गुरु नानक का, संत रैदास का, मीराबाई का या फिर रामचरण जी का? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर होगा मीराबाई का, ऑप्शन नंबर थर्ड। और जो गुरु नानक है, संत रैदास और रामचरण जी, इन सभी का विश्वास था निर्गुण भक्ति में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सा सूफी सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला या फिर सभी? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर जो चारों सिलसिले दे रखे हैं ये थे सूफी सिलसिले, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किस सूफी संत के द्वारा की गई थी? तो देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन के समय अजमेर का चौहान शासक कौन था, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज फर्स्ट या फिर अजयराज? तो देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत आगमन के समय अजमेर के जो चौहान शासक थे वो थे पृथ्वीराज थर्ड, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य ने नागौर के पास सुवल गांव में अपना केंद्र बनाता है, तो आप बताए ये कौन सा शिष्य है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का? तो देखिए, इनका नाम है हमीदुद्दीन नागौरी, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इनके नाम के पीछे आ रहा है नागौरी, तब आप नागौर से इसको रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इनके गुरु का नाम क्या है, हमीदुद्दीन नागौरी के तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद या फिर कोई नहीं? तो देखिए, अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। शिव भगवान के भक्त कहलाते थे, तो आगे हमने देखा था विष्णु भगवान के भक्त क्या कहलाते थे, यहाँ पर वहीं पर मैंने आपको बता दिया था एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि भगवान शिव के भक्त क्या कहलाते थे, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। निम्नलिखित में से कौन सा नयनार संत है, अपार, सबदर, सुंदरार, मणिक सागर या फिर सभी? तो देखिए, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहां पर जो चारों संत हैं, ये चारों संत थे नयनार, यानी भगवान शिव को मानने वाले, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
इनका नाम आपको कंटस्टली याद होना चाहिए, अपार, समंदर, सुंदरार, मणिक सागर। निम्न में से कौन सा अलवार संत है? पेरी अलवार, अंडाल, नम्मालवार, तोडर, डिपोडी या फिर सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सभी। ये चारों संत थे अलवार संत, यानी भगवान विष्णु के भक्त। तो इन चारों का नाम भी आपको कंटेस्टली ध्यान होना चाहिए। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा संत अलवार संत नहीं है। तो तीन नाम तो आपको ये दे देंगे और एक आपको वो नाम दे सकते हैं जो हमने आगे देखे थे यहाँ पर, इनमें से कोई एक नाम आ सकता है वहां पर। तो अगर आपको कंटेस्टली इन चारों के नाम को रिलेट करना है नैनार से, और इन चारों के नामों को रिलेट करना है अलवार संत से, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, रामानंद जी, कबीरदास, मीराबाई या फिर कोई नहीं? तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा रामानंद जी। रामानंद जी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहां पर, संत रैदास, धन्ना, पीपा इत्यादि किसके शिष्य थे? तो आप बताएं, चैतन्य महाप्रभु, रविदास, रामानुजाचार्य या फिर रामानंद जी? तो देखिए आगे हमने मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि जो संत रैदास है इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। तो देखिए जो धन्ना और पीपा है इनके भी गुरु रामानंद जी ही थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दक्षिण की मीरा कौन है जिसने थिरुपवाई ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए इसका नाम है अंडाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जो अंडाल है ये अलवार थी या फिर नैनार थी। अभी जस्ट हमने आगे देखा था कबीरदास जी के उपदेश हमें उनकी साखियों और पदों में मिलते हैं, यह उपदेश कहां पर संग्रहित है? गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी में, बीजक में या फिर उपरोक्त सभी में? तो देखिए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। और देखिए जो ये बीजक है, बीजक किन का ग्रंथ है ये? तो कबीरदास जी का। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। और बीजक के अलावा पंचवाणी और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीरदास जी के जो साखियां और पद है उनका वर्णन मिलता है। यह किस संत ने कहा था कि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करता है और गुरु की सेवा करता है तो माया के जाल से, कष्टों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर से एकाकार हो जाता है? तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, संत ज्ञानेश्वर, कबीरदास जी, चैतन्य महाप्रभु या फिर गुरु नानक देव? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चैतन्य महाप्रभु का ये कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु किस भगवान को मानते थे? भगवान कृष्ण को। यहां पर आपको सत्य कथन बताना है, सिख पंथ की स्थापना या फिर संस्थापक इसके कौन है? गुरु नानक देव। इनका जन्म 1469 में तलवंडी गांव में हुआ था, यह वर्तमान पाकिस्तान में तलवंडी गांव। इसे ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है या फिर सभी? तो देखिए यहां पर जो ये चारों कथन दे रखे हैं ये चारों कथन सत्य हैं। तो ये चारों फैक्ट आपको ध्यान रखने काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन महाराष्ट्र के संत नहीं हुए? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तुकाराम, चोखामेला, समर्थ गुरु रामदास, सखुबाई, रविदास, रामानंद? तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, रविदास जी और जो रामानंद जी थे ये महाराष्ट्र के संत नहीं थे। तो कौन कौन थे ये आपको ध्यान में होना चाहिए, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, चोखामेला, समर्थ गुरु रामदास और सखुबाई। समर्थ गुरु रामदास के बारे में हमने आगे देखा था ये किन के गुरु थे? छत्रपति शिवाजी के, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 1200 दिन में क्या निकालते थे? सूर्य नमस्कार करते थे 1200 एक दिन में। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
महाराष्ट्र के पंढरपुर नाम की जगह किस स्थानीय देवता के नाम से जुड़ी हुई है? तो आप बताएं, संत नामदेव, विठल, समर्थ गुरु रामदास या फिर तुकाराम? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा विठल। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, जो पंढरपुर है ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ये किस स्थानीय देवता के नाम से जुड़ी हुई है? तो विठल, विठल भगवान। दास बोध नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो देखिए, दास बोध नामक ग्रंथ ये रचना है समर्थ गुरु रामदास की। यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार किसने किया था? छत्रपति शिवाजी ने, समर्थ गुरु रामदास, रामानंद जी या फिर कोई नहीं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा समर्थ गुरु रामदास जी ने। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? एकनाथ जी, चोखा मेला, नामदेव या फिर कोई नहीं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा भारत के वंचित वर्ग के पहले कवि माने जाते हैं चोखा मेला। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आगे आपने देखा था इनका संबंध कहां से, तो महाराष्ट्र से। संत चोखा मेला किस जाति के थे? देखिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि चोखा मेला के गुरु का नाम क्या है? नामदेव। तो ये किस जाति के थे? कुम्हार जाति, जाट जाति, महार जाति या फिर कोई नहीं? तो देखिए, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा चोखा मेला ये थे महार जाति के। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि जो संत रैदास हैं, संत रैदास किस जाति के थे? तो देखिए, संत रैदास ये थे चमार जाति के। चमार जाति अलग है और महार जाति अलग है, ये आपको ध्यान रखना है दोनों डिफरेंस। आगे देखते हैं, संत दादू दयाल किस प्रकार की उपासना के समर्थक थे? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा संत दादू दयाल ये समर्थक थे निर्गुण भक्ति के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, इनका जो प्रमुख स्थल है वो कहां पर है? वो है नरेना। कहां पर है नरेना? तो जयपुर में। राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामचरण जी के द्वारा, दरियाव जी के द्वारा, हरिदास जी के द्वारा या फिर रामदास जी के द्वारा? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि इन सभी संतों का जो प्रमुख स्थल है वो कहां पर है? अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको कंटेस्टली याद होना ही चाहिए। तो आगे हमने देख लिया था इनके बारे में जो इनके प्रमुख स्थल है। मीराबाई कहां पर रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। वृंदावन, मेवाड़, मथुरा या फिर द्वारिका? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा मीराबाई द्वारिका में रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और केवल एक चैप्टर और बच रहा है 7th क्लास की पुस्तक से, उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारी पुस्तक है 8th क्लास की, उसमें हम हिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली रखें